फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टाइटल है लव ट्रांसक्रिप्शन टू ग्रो। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पहले भी कुछ वीडियोस इशू की हैं और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं उनके नाम बताता हूं आपको। व्हाई टू टाइप ट्रांसक्रिप्शन डेली, ट्रांसक्रिप्शन से डर क्यों, ट्रांसक्रिप्शन कितनी रोज़ाना, उसके बाद है पंक्चुएशन इन ट्रांसक्रिप्शन, importance of transcription in stenography, then tips for transcription accuracy। transcription पर मैंने इतनी वीडियो इशू की हैं, उसमें मेरा पर्पज एक ही रहा है कि आप लोगों को एक मैसेज देना कि हमें ट्रांसक्रिप्शन की इम्पॉर्टेंस को रियलाइज़ करना है, और जब तक हम उसको रियलाइज़ करके ट्रांसक्राइब करना शुरू नहीं करेंगे डेली, तब तक हमें उसके रिजल्ट्स जो हैं पता नहीं लगेगा कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि कुछ भी एक्शन से पहले हमें अपने थॉट्स जो होती हैं वो उस बारे में इकट्ठी करनी पड़ती हैं, पॉजिटिव सोचना पड़ता है उसके बारे में, और तभी हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है, तभी हमारे एक्शन उस पर बेस्ड होते हैं। तो हमें अपने थॉट्स को चेंज करके हमें अपने एक्शंस को भी चेंज करना है। इस बारे में मैं कुछ और फैक्ट आपसे शेयर करता हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि हाउ डू थॉट्स इन्फ्लुएंस आवर लाइव्स। इन अ नटशेल, थॉट्स अफेक्ट इमोशंस एंड इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर एक्शंस, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थॉट्स इमोशंस एंड एक्शंस बिकम हैबिट्स। नेचुरली आप जानते हैं, हमारी हैबिट्स जो है हमारी थॉट्स पर और इमोशंस पर ही बेस्ड होके हैबिट बन जाती हैं। Once they become a habit, they slip past our conscious mind and get automated. अब हमने कोई काम करना शुरू किया, प्रैक्टिस बन गई, तो एक हमारी हैबिट बन गई, तब हमें पता भी नहीं लगता, हम उस काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। Then they then begin to constitute our very personality. वो हमारे एक personality का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे routine का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो ये एक जो वीडियो मैं इशू कर रहा हूँ, ये भी एक स्टेप है उसी डायरेक्शन में कि हमें पहले तो अपनी थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करना है, देखना है कि इसकी रियलाइज करना है इंपॉर्टेंस ट्रांसक्रिप्शन की, और फिर इसको एक्शन में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करना है। ट्रांसक्रिप्शन की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो मैं लेट सर कैलाश चंद्रा जी की जो मैगजीन निकलती है, उन्होंने एक्सरसाइज 330 के बाद में एक राइटअप दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बताते हुए, और मैं ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में रेफर किया है, तो उसके कुछ मैं एक्सट्रैक्ट्स आपको पढ़ूंगा, तो उसका प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। इन स्टेनोग्राफी, ट्रांसक्रिप्शन इज द लाइफ लाइन फॉर स्पीड राइटर्स। ट्रांसक्रिप्शन इज एज इम्पॉर्टेंट एज द ब्लड इन आर वेन्स। आर बॉडी माइनस द ब्लड इज जस्ट अ बंडल ऑफ फ्लैश। मोस्ट ऑफ द स्पीड स्टूडेंट्स आर बाई नेचर एवर्स टू डेली ट्रांसक्रिप्शन। काफ़ी जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन करना ही नहीं चाहते। दे फील लेजी टू डू इट, सुस्ती है उनको इसके करने में। दे थिंक दैट डूइंग ट्रांसक्रिप्शन डेली इज ए सुपरफ्लूअस टाइम एब्जॉर्बिंग और रादर सेकेंड रेट एक्सरसाइज। सो दे डोंट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट्स द रीजन दे डोंट डू। ठीक है, आपसे बात करूँगा, अपने व्यूज शेयर करूँगा के एज टू वॉट स्टेप्स यू नीड टू टेक टू स्टार्ट लविंग द ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज दैट इज द टाइटल ऑफ माई वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द चेंज इन एटीट्यूड, देन चेंज इन फोकस, चेंज इन प्रियोरिटी। अगर आपका फोकस आज की डेट में ट्रांसक्रिप्शन करने पर नहीं है, तो प्लीज रियलाइज करिए कि इम्पॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करिए और अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, प्रियोरिटीज को रिप्रायोरिटाइज करिए। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैंने लोगों को देखा है कि वो ट्रांसक्रिप्शन से बचते हैं और उसको ना करने के रास्ते ढूंढते हैं, और फिर उस अकाउंट पर वो द पीपल सफ़र ऑल्सो। तो दोज हु आर नॉट डूइंग डेली ट्रांसक्रिप्शन, या उनको डर लगता है डेली ट्रांसक्रिप्शन से, उनके लिए बेस्ट तरीका ये है कि वो स्टार्ट करें कम स्पीड पर, जितनी स्पीड पर वो डिक्टेशन लेते हैं। अगर उनको डर लगता है तो उससे स्पीड कम कर लें, 5 वर्ड्स पर मिनट या 10, जहां भी वो कंफर्टेबल हैं। और अगर उनको वर्ड्स ज़्यादा लगते हैं तो वर्ड्स कम कर लें शुरू में,
लेकिन उसको करना शुरू करें। जब आप थोड़ा सा करना शुरू करोगे जो आपको कंफर्टेबल होगा, तो आप उस चीज़ को लाइक करना शुरू कर दोगे, फिर आप वर्ड्स बढ़ा लीजिए, फिर आप स्पीड बढ़ा लीजिए। तो एक छोटी सी स्टार्ट जो आपको है करना है, वो दिस इज द बेस्ट वे। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम वन ट्रांसक्रिप्शन डेली। जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट कर ली है और मैगजीन पर आ गए हैं, उनके लिए ये मस्ट है कि वो एक अनसीन पैसेज की जितने भी स्पीड पर वो कंफर्टेबल हैं, दिन में एक बार जरूर ट्रांसक्रिप्शन करें और उसको ट्रांसक्राइब, डिक्टेशन लेके उसको ट्रांसक्राइब करें और फिर उसको चेक करें। और जो एक मैंने साइकिल कंप्लीट करने के लिए कहा हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, उस साइकिल को कंप्लीट करें। और कोई भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन आप ट्रांसक्रिप्शन ना करें, ऑफ कोर्स संडे आप छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसको एक टेस्ट की तरह से डेली, कि मैंने अपने आप को टेस्ट करना है कि मैं किस, मेरा स्टेटस क्या है, उस तरह से लेके करिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेफरेबली टाइप ट्रांसक्रिप्शन, हो सके तो कोशिश ये करिए कि आप ट्रांसक्रिप्शन को डेली टाइप भी करें, ताकि आपकी टाइपराइटिंग भी इम्प्रूव हो और आपको पता लगे कि मेरी टाइपिंग की मिस्टेक्स कितनी आती हैं, और डबल स्पेस में टाइप करके उसको उसके बाद फिर चेक करें। नेक्स्ट पॉइंट है शार्प पेंसिल्स। आप 2-3 पेंसिल्स शार्प अपने पास तैयार रखें डेली, जब भी आपकी ट्रांसक्रिप्शन होनी हो उसके लिए अलग से रखें, और ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त उनको यूज़ करें। जैसे आपका कोई टेस्ट होता है आप पेंसिल तैयार करके शार्प करके रखते हैं, वैसे ही करके रखिए। प्रॉपर नोटबुक में करिए, जिस पैसेज को आपने डिक्टेशन लेके ट्रांसक्राइब करना है उसको एटलीस्ट आप शॉर्ट एंड नोटबुक में करिए। उसके बाद रीड बिफोर टाइपिंग, जब आप डिक्टेशन ले लें तो आप उसको रीडिंग करिए, हो सके जितने टाइम आपने डिक्टेशन ली है उतने ही मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली होने चाहिए। उसके बाद नोट द टाइम टेकन, आप टाइम नोट करिए कि मैंने इतने बजे इतने टाइम मैंने रीडिंग में लगाया और इतना टाइम मैंने उसको ट्रांसक्राइब करने में लगाया। जब आप उसको मेजर करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि आज मैंने इसको 10 मिनट लगाए हैं, अगले दिन नेचुरली आप उसको 8 लगा रहे हैं या 12 लगा रहे हैं। तो एक मेजर करना आप शुरू कर देंगे तो आपको आइडिया लगेगा मैं कैसे अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। चेक एंड मार्क द मिस्टेक्स ऑनेस्टली। उसके बाद आपने अपनी ट्रांसक्रिप्शन को चेक करना है पैसेज के साथ जहाँ से डिक्टेशन दी गई थी, और मिस्टेक्स आप उसी मेथड से कीजिए जिसमें आप स्किल में तैयारी कर रहे हैं। अगर SSC की कर रहे हैं तो SSC के हिसाब से करिए, और कोई एग्ज़ाम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से करिए। जब आप रेगुलर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे अनसीन पैसेज की इस मेथड जो मैं बता रहा हूँ इससे, और मैंने पहले जो ट्रांसक्रिप्शन करने का आपको सिस्टम बता रखा है पहले उस हिसाब से, तो आपके नंबर ऑफ मिस्टेक्स देखेंगे कि आपकी आस्ता आस्ता कम हो जाएंगी। अगर आप इन केस यू डू ट्रांसक्रिप्शन ट्रूली एज पर द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड, यू वुड नॉट फील एनी नर्वसनेस इन एनी स्किल। जब आप स्किल में जाएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं कोचिंग पर या घर पर ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, वही वहां पर करनी होती है हमें। और जो लोग 5% या 5% से कम मिस्टेक्स अभी आज की डेट में कर रहे हैं अपनी ट्रांसक्रिप्शन में, दे कैन एक्सपेक्ट टू क्वालिफाई इन एनी स्किल एग्जाम आफ्टर मे बी आफ्टर 3 months और 6 months। जब कंटिन्यूस वो 5% या 5% से कम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका क्वालिफाई होना ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि जो कंटेंट्स मैंने आपको दिए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। जो लोग ट्रांसक्रिप्शन अभी तक डेली नहीं करते उनको ट्रांसक्रिप्शन करने शुरुआत करने में हेल्प करेंगे, और जो लोग पहले से कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन डेली उनको डेफिनेटली और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो एक ठीक रास्ते पर ही काम कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है आस्ता आस्ता इम्प्रूव होगी, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और यही मैं आपसे कन्वे करना चाहता था आज की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।